बेटा दोबारा आवाज सुन पा रहे हो ना सभी बच्चे, है ना? हेलो। यस सर। बेटा एक ये स्क्रीन पे है ना, कोई बच्चा पेन ना चलाए, ठीक है? कोई भी बच्चा स्क्रीन पे पेन ना चलाए, ओके? तो बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आइलम की। आइलम इज ए या स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी जो आंत होती है बेटा, वो लॉन्ग कॉइल टाइप की होती है, हैविंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो किसके काम आती है बेटा? एब्जॉर्प्शन फूड, मतलब भोजन को एब्जॉर्प्शन करने के काम आती है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा विली ऑफ आइलम की। अरे बेटा ये पेन क्यों चला रहे हो? एक बार बोल दिया, आप मत चलाओ मारकर किसी पे भी। विली इन आइलम की बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें जैसे भोजन जाता है तो वो स्पेसिफिकेशन हो जाता है किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। अब नंबर ए पॉइंट जो पढ़ते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी थिन। जो अंदर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, ये वॉल के अंदर की दीवार, तो इनर जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वेरी थिन, काफी पतली होती है। इनर सरफेस ऑफ आइलम इज रेज्ड इनटू ए न्यूमेरियस फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। विली उसको बोलते हैं कि जैसे फिंगर टाइप की दिखाई दे रही है ना, एक दो तीन चार पांच फिंगर टाइप दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा बेटा? फिर पेन चला रहा है, कौन बच्चा चला रहा है बेटा? तो प्रोजेक्शन फिंगर लाइक इज कॉल्ड विली। विली के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद। बिल्ली, अरे पेन कौन चला रहा है बेटा? सर आपकी और ये वीडियो टेडी आ रही है। ये जो पिक्चर देखा रखी, ये फोन को टेढ़ा कर लो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? फोन को आप टेढ़ा कर लो सर। टेढ़ा कर रखा है, फिर ये स्क्रीन भी टेढ़ी आती है। स्क्रीन पे फोटो, ये पिक्चर टेढ़ी दिखाई दे रही है क्या? यस सर। तो सीधा कर लो ना फोन को, नहीं टेढ़ा ही कर लो बेटा। ये तो पिक्चर ले रखी है, साफ क्लियर तो दिखा। सर जिस तरह घुमाते हैं उससे वन साइड रोटेट हो जाता है। सही है बेटा। विली आर रिचली, विली के बारे में पढ़ते हैं, जो एंडरथाउ फिंगर की तरह दिखाई दे रही थी बेटा, जैसे उंगलियां जो दिखाई देती है ना उस तरीके से दिखाई दे रही थी, उसके बारे में पढ़ते हैं विली के बारे में। विली आर रिचली सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड।
विली आर रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड कैपिलरी, जो विली होती है बेटा उनसे जो ब्लड सप्लाई होता है जो नेटवर्क है, तो खून काफी क्या होता है बेटा बारीक होता है, यानी बिल्कुल बारीक की रूप से खून ब्लड क्या करता है उसमें सर्कुलेट होता है, रोटेट रहता है। डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड फैट ग्लिसरॉल ईटीसी गेट मिक्स विद साल्ट, ये सब किसके साथ मिक्स हो जाती है बेटा विद साल्ट, साल्ट के साथ। मिनरल ऑफ विटामिन एंड वाटर रिमेन इन द आइलम फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो पानी रहता है और रिमेन रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। ठीक है, ये कौन सा बच्चा है, मार्कर लगा दिया, लॉन्ग टाइम एज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, अब दिखाई दे रहा है ना सीधा? नो सर। अब कैसा दिखाई दे रहा है बेटा तिरछा? अब सर तिरछा ही दिखा देता, गैलरी में सीधी कर लो इसको फोटो। अभी फोन को तिरछा नहीं कर सकते क्या आप? सर कर सकते हैं, करते हैं, उतर तिरछी होती जाती है ये फोटो। नेट चलते वहाँ पे रोटेशन लॉक होगा सर, वहाँ वो रोटेशन लॉक ऑन करने के लिए कह दो इन्हें। रोटेशन लॉक आता है एक स्क्रीन पे, उसको कर दो ऑन। अब पढ़ते बेटा अब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब्सॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर ट्यूब, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी होती है वो एक वाइडर ट्यूब होती है बेटा, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर क्या होती है लॉन्ग होती है। अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम आइलम पासेज इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कोलोन। तो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है या अनअब्जॉर्ब फूड रहता है तो वो आइलम के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में पहुंचता है उसको बोलते हैं कोलम, सी ओ एल ओ एम, एक्सेस। अरे कौन बच्चा कलर कर रहा है बेटा ये? एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ कौन कर रहा है एक बार, एक सेकंड रुको, इसको करते हैं। ये बच्चों के हटाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ कोलन। जो एक्सेस वाटर होता है और साल्ट होता है अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड, जो फूड अब्सॉर्ब होता है थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ कोलन, वो कहाँ चला बेटा, कहाँ रहता है? इनर लाइनिंग ऑफ कोलन, कोलन के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो अंदर की वाल होती है वहां होता है बेटा। सर आप सर बुक में पढ़ा लो सर, बीच बीच में नहीं करेगा क्या? सर बुक में ही पढ़ा लो सर, बीच बीच में ये कौन कर रहा है बेटा? ये कौन करता है? इस मार्कर के लिए क्या क्या जाएगा सर? पंकज सर करते तो है, वो कैसे करते हैं, नाम आ जाता है जो लिखता है उसके ही। नाम तो आ जाता है, वो तो ठीक है बेटा। एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट, अब क्या दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे आपको? जो चलो बुक से ही पढ़ते हैं बेटा,
अब सही है ना? यस सर। तो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में ये विली होती है, देखो ये फिंगर टाइप की होती है, ठीक है, और आइलम होता है ये अब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन में। पढ़ते हैं आज, लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर ट्यूब, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है एक वाइडर ट्यूब होती है बेटा, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर क्या होती है लंबी होती है, और जो अनडाइजेस्ट और अनअब्सॉर्ब्ड द फूड होता है फ्रॉम आइलम पासिस, आइलम से पास होके इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जिस पार्ट में प्रवेश करता है उसको बोलते हैं कोलन, COLON, ठीक है बेटा। एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ कोलन, जो एक्सेस वाटर और साल्ट होता है फ्रॉम द अब्सॉर्ब्ड फूड, जो अब्सॉर्प्शन फूड होता है वो किसके थ्रू जाता है बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ कोलन, कोलन की जो इनर लाइनिंग होती है उनके थ्रू, ठीक है। द सॉलिड द सेमी सॉलिड वेस्ट देन एंटर इनटू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम एंड स्टे देयर फॉर एजिस्टन, जो एंड पचा हुआ भोजन है, जो एंड अब्सॉर्ब भोजन है, सिंथोडियन वेस्ट, वेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट से बाहर निकलता है बेटा, रेक्टम पार्ट से बाहर निकलता है एंड स्टे फॉर द एजिस्टन, और उस क्या बोलते बेटा एजिस्टन वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल कहाँ से बाहर निकलता है बेटा, रेक्टम से, कहाँ से बाहर निकलता है रेक्टम से, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या पढ़ा आपने, एक वाइडर क्या सर, आज साइंस का टेस्ट होगा, कब है? आज आज होगा ना, आप टाइम टेबल नहीं देखी क्या? अरे देखी थी क्या सर? देखी थी, वैसे पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे? उसकी बाद में बात करते हैं, पहले अपना काम करते हैं बेटा। जो वेस्ट मटेरियल है उसकी लार्ज इंटेस्टाइन की बात थी, कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाइडर ट्यूब होती है वो कितने मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग रहती है, और जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आता है बेटा, कोलन पार्ट में आता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो यहाँ पे भी लिख रखा है द वेस्ट मटेरियल दैट इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, उसको रेक्टम बोलते हैं, एंड स्टे फॉर द इजेस्शन, और कहाँ पे ठहरता है, इजेस्शन पार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन्स की, यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है बेटा, इसमें ऑर्गन्स है, इसमें ग्लैंड है, एंजाइम है, फूड है और एंड प्रोडक्ट है बेटा। तो बकल कैविटी ऑर्गन्स है, इसकी जो ग्लैंड है वो सलेवरी ग्लैंड, और जो एंजाइम है अमाइलेस एंजाइम है, फूड स्टार्च से किसमें चेंज हो जाता है बेटा, मॉल्ट में, ठीक है। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे ज्वाइन है। टेडी आ रही है, अभी कर रखी है बेटा टेडी तो मैंने। अब जो बात पढ़ते हैं एजिस्टन के बारे में, पढ़ते हैं बेटा एजिस्टन के बारे में, फ्रॉम रेक्टम सेमी सॉलिड वेस्ट वेस्ट कॉल्ड फेसियस पास आउट थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एनवस, जो रेक्टम से जो सेंसोरियल वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट पार्टिकल है, किससे बाहर निकलते हैं बेटा, एनवस से बाहर निकलता है, कौन से पार्ट से निकलता है, एनवस, जहां से मलमूत्र वगैरह बाहर निकलते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एनवस पार्ट बोलते हैं। मसल्स ऑफ एनवस हेल्प इन डिफिकेशन, जो मसल्स होती है एनवस की वो हेल्प करती है डेफिकेशन के लिए, ठीक है, यानी पेट को सही करने के लिए। जैसे आप ये बताओ, सुबह से हम वेस्ट मटेरियल फाइंड आउट निकालते हो एनवस के थ्रू, तो अगर वेस्ट मटेरियल नहीं होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वेस्ट मटेरियल निकालना भी बहुत जरूरी है, वो पार्ट से निकलता है, एनवस पार्ट से निकलता है, ठीक है। अब असिमिलेशन इन बॉडी सेल्स, जो असिमिलेशन होता है, जो समावेश होता है बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, वो कैसे होता है वो पढ़ते हैं। एसिमिलेशन का अर्थ होता है ASSIMILATION का अर्थ होता है बेटा समावेश। एसिमिलेशन थ्रू ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन एक पार्ट थ्रू ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन
बट डज नॉट टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव ट्रैक। एसिमिलेशन जो पार्ट है नाइट्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, जो परंतु जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो नहीं है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड कम आउट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। एब्जॉर्प्शन के बाद जो समावेश के बाद भोजन के समावेश के बाद कम आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एंट्री इनटू द बॉडी सेल। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो बाहर निकल जाता है और एंट्री कर जाता है बॉडी के सेल्स में, जो शरीर है उसकी नसों में, वेयर असिमिलेशन टेक प्लेस, जहाँ पे असिमिलेशन समावेश जगह ले रहा है। यानी समावेश का अर्थ यही होगा डाइजेस्टिव फूड क्या करेगा, बॉडी के अंदर समावेश करेगा, और जो समावेश होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा बेटा, सेल्स के अंदर चला जाएगा, सर्कुलेट टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी वेयर दीज आर असिमिलेटेड। तो सर्कुलेट करता है सभी सेल्स को, बॉडी की सभी सेल्स को, उसको बोलते हैं असिमिलेट। ठीक है बेटा, अब ए पार्ट है ग्लूकोज ऑक्साइड्स। ग्लूकोज ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज ऑक्साइड होती है किसकी सहायता से होती है, ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, और वो क्या रिलीज करती है, एनर्जी। कौन रिलीज करता है बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइड। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड स्मॉल पॉकेट कॉल्ड एटीपी। जो ये एनर्जी स्टोर्ड होती है स्मॉल पैकेट में उसको बोलते हैं एटीपी फॉर फ्यूचर यूज, जो भविष्य में यूज के लिए काम करते हैं। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर होती है या नहीं होती है खाना खाते हैं तब बेटा, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है। हेलो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हेलो yes, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं बोलोगे? ग्लूकोज ऑक्साइड विद द हेल्प, आज सियाराम नहीं आया क्या? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन द लीवर। जो एक्सेस होती है काफी मात्रा में ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लाइकोजन में, और स्टोर हो जाती है इनटू लीवर। स्टोर किसमें हो जाती है बेटा, लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जो बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स, बी पार्ट। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द बॉडी। जो अमीनो एसिड होती है वो किसका काम करती है, बॉडी को रिपेयर करती है, यानी उसको दोबारा ताजा करती है। पार्ट्स एंड, जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनको दोबारा क्या करती है, रिपेयर करती है। पार्ट्स एंड फॉर सिंथेसिस फॉर न्यू प्रोटीन एज बिल्ड अप ब्लॉक ऑफ सेल या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, और न्यू सेल्स का क्या करती है बेटा, विकास करती है। जैसे अमीनो एसिड का काम क्या है, बॉडी की रिपेयर करना, और जो पुरानी सेलें होती हैं उनसे क्या बनानी बेटा, न्यू सेल्स का विकास करना, न्यू सेल्स का विकास करना, यानी नई सेल्स आ जाती है जिससे शरीर में क्या आ जाएगी बेटा, एनर्जी आ जाती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर यूज्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। एक्सेस ऑफ फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन ऑफ फैट ड्रॉपलेट इन फ्यूचर यूज। जो एक्सेस क्या होती है बेटा, फैट होती है वो स्टोर हो जाती है स्किन के अंदर, स्किन के अंदर जो हमारी तवता होती है ना उसके अंदर, एज फैट ड्रॉपलेट, फैट ड्रॉपलेट के एक्ट एज होती है फैट ड्रॉपलेट की तरह। ठीक है, उसको बोलते हैं फैट ड्रॉपलेट, जहाँ पे फैट क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के प्रयोग के लिए, फ्यूचर यूज भविष्य प्रयोग के लिए। अब याद आती है वाटर मिनरल एंड साल्ट आर यूज्ड एज ए रेगुलेटर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और साल्ट होते हैं, वो यूज आते हैं बेटा किसके, मेटाबॉलिक रिएक्शन के, वेरियस रेगुलेटर ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन के यूज में आते हैं। ठीक है, तो असिमिलेशन ऑफ बॉडी सेल्स में बेटा तीन बात पढ़ी है, एक तो ग्लूकोज ऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, दूसरा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा है, और तीसरा फैटी एसिड के बारे में, और चौथा वाटर और मिनरल, ये चीजें कहाँ कहाँ शरीर में स्टोर होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, स्टोर होने के बाद इनका यूज कैसे होता है वो भी हमने पढ़ा है। अब जो चीज पढ़ते हैं वो है डाइजेशन फूड इन रूमिनेंट्स। जो डाइजेशन फूड होता है वो रूमिनेंट्स में किस तरीके से होता है, यानी पशुओं में किस तरीके से होता है। अब तक तो जो पढ़ा है डाइजेशन वो फूड इन क्या पढ़ा है बेटा, ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो मानव होता है उसके बारे में पढ़ा है हमने।
अब रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूमिनेंट्स का अर्थ हो गया पशुओं के बारे में, यानी डाइजेशन फूड की जो पूरी प्रॉपर्टी वो पशुओं में कैसे होती है, डाइजेशन कैसे करते हैं पशु, उस रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं पशुओं के बारे में। ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ, आप सभी को पता है कि घास कौन खाता है बेटा, अरे पशु ही खाते हैं ना, या ह्यूमन बॉडी भी खाता है? हेलो सर, अरे घास कौन खाता है बेटा? सर एनिमल, एनिमल्स खाते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास एनिमल्स खाते हैं लाइक, जैसे कि काउ, गाय होगी, बफेलो होगी, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब क्या खाते हैं बेटा? घास खाते हैं। और भी हैं, जैसे यहाँ पे तो कुछ ही दे रखे हैं, काउ, बफेलो, हॉर्स और एलिफेंट हैव ए स्पेशल चैम्बर इन देयर स्टोमक कॉल्ड रूमेन, उनके जो पेट के अंदर होती है एक स्पेशल जो चाम होती है, चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं रूमेन, यानी पचाने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल जस्ट ह्यूमन बॉडी से क्या है, अलग है, और एक अलग पेट में जो चैम्बर है उसका नाम है रूमेन। ठीक है बेटा, आर यू एम एन, द एनिमल पोजिंग रूमेन आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल, जो एनिमल्स में जो होता है रूमेन होता है उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। उन सभी को क्या बोलेंगे बेटा? रूमिनेंट एनिमल, जिसके पास ये चैम्बर होता है, किसका होता है? रूमेंस का जो चैम्बर होता है, जो ग्रास को क्या कर पाते हैं? डाइजेस्ट कर पाते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं। ठीक है, अब जाओ ऑफ हर्बीवोरियर्स जो होते हैं, जो क्या खाते हैं? हर्बीवोरियर्स ग्रास वगैरह मीट मांस जो खाते हैं वो हर्बीवोरियर्स, उनके जो जबड़ा है वो किस तरीके से है? देखो पशु का जो जबड़ा है इस तरीके का होता है, अंदर की जो जीभ होती है वो भाग देख लो। जाओ ऑफ कॉर्निवोरियर्स, जो कॉर्निवोरियर्स के बारे में देख लो, जैसे ये चित्ता है कि किसी का शिकार करने जा रहा है, ठीक है। जाओ ऑफ कॉर्निवोरियर्स, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है उसका भी देख लो, तो सभी का आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, सभी का जबड़ा, अरे अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा? यस सर, तो सभी का अलग अलग जबड़ा है बेटा। और जो रूमिनेंट सिस्टम पढ़ते हैं काऊ के बारे में, उसके बारे में देख लो, रेक्टिकुलम है ये जो स्टार्टिंग में प्रवेश करते हैं, ओसोफोगस जो आर्नली होती है वो है, ओमासम है ये, अब ओमासम है, रूमेंस है, और इंटेस्टाइन यानी छोटा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है ये। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं, रूमिनेंट एनिमल हैव फोर चैम्बर स्टोमाच कार्ड कंपाउंड स्टोमाच, जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनके पेट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा? चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टोमाच। रूमेन इज द फर्स्ट चैम्बर, जो रूमेन है वो क्या है बेटा? फर्स्ट चैम्बर, पहला चैम्बर है, पहला चैम्बर क्या है पशुओं में? रूमेंस का चैम्बर है। ठीक है, तो कितने चैम्बर होते हैं टोटल बेटा? चार चैम्बर है पशुओं में, अगर बात की जाए भाई कितने चैम्बर है, तो फोर चैम्बर है। रूमेन इज द फर्स्ट चैम्बर, इट इज लार्जर इन साइज, जो इसका साइज है वो क्या है बेटा? लार्ज है। रूमिनेंट एनिमल ईट ग्रास, जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल वो क्या खाते हैं बेटा? ग्रास, घास खाते हैं। क्विकली विदाउट च्यूइंग, बिना च्यूइंग के, ईट प्रॉपरली एंड स्टोर इन रूमेन, और ये खाते हैं और कहाँ पे स्टोर हो जाता है वो ग्रास बेटा? रूमेन में स्टोर हो जाता है। मैनी बैक्टीरिया लाइव सिम्बायोटिकली इन रूमेन विच एक्ट ऑन द फूड प्रेजेंट इन इट, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो रूमेन में रहते हैं बेटा, जो फूड के साथ, और जो फूड प्रेजेंट, जहाँ पे क्या रहता है? फूड प्रेजेंट रहता है यानी ग्रास रहता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस ग्रास को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। दे पार्शियली डाइजेस्टेड द फूड नाउ कार्ड कट, और उसके बाद जो फूड हो जाता है क्या हो जाता है बेटा? डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसको बोलते हैं कट, जिस पार्शियली डाइजेस्ट पार्ट में होता है उसको कट बोलते हैं, CUD कट। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल स्टॉप फीडिंग, जब जो पशु होता है वो कर देता है स्टॉप फीडिंग कर देता है, कट इज ए पार्ट ऑफ रूमिनेंट टूबकल कैविटी थ्रू सेकेंड चैम्बर स्टोमाच, जो कट होता है बेटा वो इज पार्ट रिटर्न, उसका जो पार्ट होता है वो रिटर्न कर देता है, यानी जो भोजन आपने जो पचा लिया वो तो ठीक है, जो अनडाइजेस्ट होता है उसको क्या कर देता है बेटा? बैक कर देता है बकल कैविटी थ्रू सेकेंड चैम्बर, और जो तो किसमें चला जाता है? सेकेंड चैम्बर ऑफ स्टोमाच, पेट के जो सेकेंड चैम्बर में चला जाता है। इन बकल कैविटी
कड इज मिक्सड विद स्लेविया, जो बकल कैविटी होती है वो किसके साथ मिक्स हो जाती है, स्लेविया एंड चीड अगेन, और उस भोजन को दोबारा क्या करते हैं, चबाते हैं। फूड देम बकल कैविटी इज स्लोड एंड थ्रू ओसोफोगस इज सेंट टू द थर्ड चैम्बर ऑफ स्टोमक, जो पचाने के बाद क्या ओसोफोगस के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वो थर्ड चैम्बर में जाता है, पेट के थर्ड चैम्बर में प्रवेश कर जाता है। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन फोर्थ चैम्बर, और जो बाद में जो भोजन बचता है वो फोर्थ चैम्बर में चला जाता है पेट के में, लाइक ह्यूमन बींग, आदमी की तरह, यानी उसको पता देता है और सेल्स में उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड च्यूइंग एनिमल एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड डूमिनेशन, इस जो एनिमल प्रोसेस है उसको बोलते हैं कड च्यूइंग एनिमल्स, ठीक है। एंड द पोजेज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस पोज को रूमिनेंट्स बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बेटा, जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, आपके बाद आगे भाई रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का बात एनिमल की बात हो रही है, तो इनमें फोर चैम्बर होते हैं, स्टोमच के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा, चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, ग्रास को लिया और वो सीधा कहाँ पे जाती है, रूमेन में जाती है, उसके बाद वो बैक करती है, उसके बाद पशु क्या करता है बेटा, उगाड़ी करता रहता है, कंटिन्यू मुंह चलाता रहता है ना पशु, अरे ग्रास खाता है तो वो मुंह चलाता नहीं रहता है बेटा, तो उसका अर्थ क्या होता है, ग्रास होता है काफी हार्ड होता है बेटा, इसको चबाता है, फिर वो चबाने के बाद जो अंदर एंट्री करता है ओसोफोगस के थ्रू, वो सेकंड चैम्बर में जाता है, ठीक है। अब सेकंड चैम्बर में जितना भी डाइजेस्ट फूड होता है वो थर्ड में जाता है, थर्ड के बाद फोर्थ चैम्बर में जाता है, और फोर्थ चैम्बर में जो भी एनर्जी मिलती है वो सेल्स में चली जाती है, और इस प्रकार जो ह्यूमन बींग का जो प्रोसेस होता है, जैसे मानव का पीछे पड़ा था, सेम वैसी प्रक्रिया है। अब जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो डाइजेशन है सेलुलोज का, उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट्स की जो सेल वॉल्स हैं वो किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी हुई होती है। हेलो, रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज इन ए स्पेशल सैक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन, तो रूमिनेंट्स गेट करते हैं क्या, डाइजेस्ट करते सेलुलोज, स्पेशल पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो कहां प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है बेटा, सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करते हैं इन ए स्पेशल सैक पार्ट, वो सेलुलोज एक स्पेशल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। सम सेलुलोज डाइजेशन बैक्टीरिया, कुछ सेलुलोज है वो क्या डाइजेस्टिंग करेंगे, बैक्टीरिया लाइव सिम्बायोटिकली इन ए सेस्कम एंड रिलीज द एंजाइम सेलुलोज टू डाइजेस्ट सेलुलोज ऑफ फूड, जो सेलुलोज फूड को डाइजेस्ट, जो सेलुलोज के द्वारा फूड को क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो बेटा ये कहने की बात ये है, इनमें एक प्रक्रिया है सेलुलोज की प्रक्रिया, उसके द्वारा क्या कर पाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ये पहले भी पढ़ा दिया था लेसन, तो आपको पढ़ा दिया था ना मैडम जी ने। हेलो, अरे बरखा, बरखा, यस सर, बेटा लेसन पहले पढ़ा दिया था ना ये, और बच्चे बताओ सर, इस बुक में नहीं पढ़ाया, दूसरी में पढ़ा। तो बेटा एक ही बात है, बुक में तो चीज दे रखी है, वो तो रूमिनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, पशुओं के बारे में डाइजेशन इन फूड ऑफ रूमिनेंट्स पढ़ाया था ना। यस सर, तो फिर वही बात है बेटा, बुक में वही चीज है जो पढ़ा है, बस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कल जो बताया था कि भाई अपने फिल इन द ब्लैंक्स भरो, एक लड़की ने बरखा बरखा ने भेजा, बाकी किसी भी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं भेजा, क्यों नहीं भेज रहे भाई, अरे बोलो बेटा, होमवर्क भेजना पड़ेगा। और आज आपका जो काम है वो देखो, सेकंड लेसन के फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी भरने हैं, ये तो अच्छे से पढ़ लिया। हाँ सर, बुक का नाम बता दो एक बार। बुक का नाम है बेटा साइंस एफेक्चुअल की है, एफेक्चुअल EFFECTUAL, इसकी जो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, स्क्रीनशॉट कर ले, कर लिया क्या, ले लिया, ठीक है। ये बुक का नाम है,
आज आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है सेकंड की। अरे ठीक है ना बरखा, ठीक है? और मैं ये जो डायग्राम है वो आपके पास सेंड कर देता हूँ, आपको बनाने हैं। ये एनिमल्स का जो डायग्राम है बिल्कुल वो बनाना है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी वो ये दो डायग्राम ये बनाने हैं, ठीक है? ठीक है ना सर? फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज एक्सरसाइज करनी है? हाँ फर्स्ट की नहीं, ये सेकंड की बता रहा हूँ बेटा, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सेकंड के करने हैं। सर फेयर में? फेयर में नहीं, रफ में करके मेरे पास फोटो स्क्रीन करनी है, ठीक है सर? हाँ बोलो बेटा। ये डायग्राम फेयर नोट में बनाना है ना? ये रफ में बना लेना सभी बेटा, ठीक है? हाँ ठीक। बाय सर। बाय सर।